हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली किचन करिश्मा। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्टार शक्कर पारे। एक बार बनाइए और महीने भर तक खाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा ले ली है। जिस कटोरी से मैंने मैदा लिए उसी कटोरी से मैं बूरा ऐड करूँगी। मेल्ट घी डाल दूँगी मैं इसमें। एक कटोरी मैदा में मैं 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर रही हूँ मोइन के लिए। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अपन ये बूरा ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक डो रेडी कर लेंगे। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप बूरा 3/4 कप भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे अपन इसमें। जो देखिए, मैंने 1/2 कप पानी लिया था। बहुत ही कम पानी में डो बनकर एकदम रेडी हो गया है। तो इस तरीके से अपन 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैं किचन काउंटर पे थोड़ी सी मैदा डस्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो अपन ने ये डो रेडी करा था, इसके अपन 2 इक्वल साइज के पार्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से बेल लेंगे। अब आप इसको किस भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं आज स्टार वाली शेप में इसको कट कर रही हूँ, वरना आप नॉर्मल जिस तरीके से अपन साखियाँ बनाते हैं उसमें भी आप इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से अपन इसको कट कर लेंगे। खाने में बहुत ही लाजवाब लगती हैं ये, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगी ये स्टार वाली। तो ये देखिए, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ये भी एकदम बन करके रेडी है। अब इसको अपन ऑयल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम ही रखा है। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखकर इस तरीके से इनको ऊपर नीचे करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी ये। ऐसा लगेगा अपन बिस्किट खाते हैं उस तरीके से ये बिस्किट बनकर एकदम रेडी होगा। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका है। मैंने गैस का फ्लेम लो रखकर ही इन सबको फ्राई करा है। तो चलिए, मैं अब गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इनको सबको अपन एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऑयल अच्छे से निकाल लेंगे अपन। मैंने इसको सर्व कर दिया है। तो देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको आप एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही पसंद आएंगे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं न्यू एंड हेल्दी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।